पहले हमें क्या करना पड़ेगा पावर पॉइंट को क्लिक करना पड़ेगा और पावर पॉइंट से हमारा जो पुराना फाइल है उसे ओपन करना पड़ेगा है ना यस इज दैट हाउ डू वी डू इट हां जो फाइल हम लोगों ने क्रिएट किया याद है का, क्या आपको वो फाइल नेम देखते हैं कौन सा फाइल नेम है वो ओके सो क्लिक हियर कॉर्टाना में क्लिक कर कीजिए और पावर पॉइंट के लिए पावर टाइप कर दीजिए और आ गया पावर पॉइंट क्लिक करो अभी तो पावर पॉइंट ओपन हो गया है हमें तो फाइल ओपन करना पड़ेगा कहां जाना है हमें कहां जाना है फाइल ओपन करने के लिए हमें तो एक मेनू में जाना है मेनू कौन सा मेनू में जाना है वेरी गुड हमें तो फाइल मेनू में जाना है फाइल मेनू में जाके यू विल क्लिक ऑन कौन सा क्लिक करना है क्लिक ऑन ओपन वेरी गुड ओपन क्लिक करने से आपको जो प्रेजेंटेशन आप सेव किए हुए वो वो आ जाएगा सो नाउ आई एम क्लिक ऑन फ्लावर्स याद है ना अभी आपको सो so, फ्लावर्स था हमारा पीपीटी का नाम सो so, क्लिक करने वाली हूँ और ओपन करने वाली हूँ देखा ये ओपन बटन यहाँ पे ब्लू हाईलाइटेड है सो so, इसका मतलब क्या है एंटर क्लिक करने से भी ओपन हो जाएगा और ये क्लिक करने से ओपन हो जाता है ये बटन क्लिक करने से ओपन हो जाता है इसका मतलब है ये एक एक्शन बटन है इसका मतलब है ये एक एक्शन बटन है क्योंकि क्लिक करने से कुछ ना कुछ तो एक्शन करता है ना एक तो ओपन करता है कैंसिल कर दूं तो ये कंप्लीटली क्लोज हो जाता है सो so, क्लिक करने से कुछ ना कुछ तो एक्शन तो जरूर होगा वो बटन को कहते हैं एक्शन बटन्स ओके आई एम गेनो क्लिक ओपन ओके सो so, so, यहाँ पे देखो यही था ना हम लोगों का जो हम लोगों ने वर्ड आर्ट इंसर्ट किया और फ्लावर्स इंसर्ट किया याद है आपको टेक्स्ट इंसर्ट किया और ये भी इंसर्ट किए थे हम लोग और रोज टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किए और उसका फॉन्ट बदले और कलर भी बदले और देखो ये सेकेंड स्लाइड में वापस, हम लोगों ने इमेज इंसर्ट किया और इमेज एडिटिंग भी किया था टाइम टेबल में टेबल इंसर्ट किया और इतना सारा डिटेल्स भी इंसर्ट किया टेबल के अंदर ओके सो so, ये तो हम लोगों ने प्रीवियस ये में आ, स्लाइड में देखा था प्रीवियस सेशन में देखा था जो फाइल साउंड फाइल कैसे इंसर्ट किया है और ये है वीडियो फाइल कैसे इंसर्ट करना है ये दोनों हम देख चुके हैं सो so, आज हम देखेंगे एक्शन बटन से क्या हो रहा है ओके सो so, इसके लिए हमें न्यू स्लाइड देखना पड़ता है सो so, लेट्स गो क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड फर्स्ट न्यू स्लाइड के लिए क्या करना है मैं राइट क्लिक वेरी गुड और न्यू स्लाइड आ गया न्यू स्लाइड सो आज देखने वाले हैं एक्शन बटंस बी यू टी टी ओ एन एस एक्शन बटन्स सो इसका फॉन्ट बदलना पड़ेगा फॉन्ट बदलती हूं मैं और साइज इंक्रीज कर रहे हैं और कलर भी बदल रहे ओके? ओकेट सो अभी एक्शन बटन्स का हेडिंग रेडी है सो so, कहा जाके मैं एक्शन बटन इंसर्ट कर सकती हूँ ऑलवेज पावर पॉइंट में इंसर्ट करना का मतलब कहाँ जाना पड़ेगा हमें इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा सो इंसर्ट टैब में जाओ और यहाँ पे तो कोई एक्शन का ही नहीं है हाँ देखा एड एन एक्शन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट To specify what should happen when you click on it or hover over it with your mouse. पहले ये तो पूछ रहा है You can add an action. अभी action जो add करना है वो कर सकते हो Okay? और क्या बोला ऑन ए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट अभी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर एक्शन क्लिक कर सकते हो और राइट सो उसके बाद ये भी कर सकते हो कि क्या होना चाहिए उसे क्लिक करने के बाद ओके okay? क्लिक so, करने के बाद क्या होना चाहिए और जब माउस उसके ऊपर है होवर का मतलब है जब ऊपर है जो पिक्चर के ऊपर माउस जाता है ना जो पॉइंटर जाता है उसे कहते हैं होवरिंग ओ वी आर होवर ओके सो और डिजाइड दैट सो अभी क्या करते हैं क्लिक कर देते हैं एक्शन को अभी देखो यहां पे दो ऑप्शंस हैं हमारे पास एक है माउस क्लिक दूसरा है माउस ओवर माउस क्लिक जो है करेगा आई I मीन mean, uh, वो एक्शन विल स्टार्ट वर्किंग व्हेन यू क्लिक ऑन द माउस अभी जो माउस ओवर है जब कभी माउस पॉइंटर ऊपर आ जाएगा तब काम करना शुरू कर देगा ओके okay? सो so, अभी पहले माउस क्लिक देखते हैं अभी तो कुछ नहीं है हाइपरलिंक ओके सो ये देखते हैं हाइपरलिंक लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड चाहिए या प्रीवियस स्लाइड ओके हाइपर टू प्रीवियस स्लाइड ये दे रहे हैं। so, इसका मतलब है जब कभी मैं उसे क्लिक करने वाली हूं जो एक्शन को क्लिक करने वाली हूं बटन को क्लिक करने वाली हूं कहा जाएगा पहले स्लाइड के अंदर जाएगा दैट इज प्रीवियस स्लाइड ओके अभी प्ले साउंड साउंड प्ले करना है तो कर सकते हो यहां से सिलेक्ट कर सकते हो ओके okay? सो so, दूसरा ऑप्शन जो है रन प्रोग्राम सोचो कि यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन के एक फाइल डाले च, लगता है वो व्हाट्सएप हो सकता है या फिर डेस्कटॉप का स्काइप हो सकता है ऐसे वाले सेटअप प्रोग्राम को इंसर्ट करने से ये जो रन प्रोग्राम है इसे हम दे सकते हैं ब्राउज करने से आपको जो सेटअप फाइल है वहां से क्लिक करके ओपन करना पड़ता है तब क्या होगा जो जब कभी ये बटन को क्लिक करते हैं आप वो सिस्टम में वो फाइल इंस्टॉल हो जाएगा सो so, ये रन प्रोग्राम फोर्थ वन रन मैक्रो मैक्रो क्या होता है हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था मैक्रो क्या होता है मैक्रोज होता है डिफाइंड कैलकुलेशंस। मैक्रोज होता है डिफाइंड कैलकुलेशन उसका मतलब है आप प्रीवियसली एक कैलकुलेशन को करके रख सकते हो और उसे इंक्लूड कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल सैलरी प्रोसीजर हर एक कंपनी में डिफरेंट होगा ओके okay? सो so, क्या होगा उसमें थे बहुत सारे अलावेंसेस होते हैं और बेसिक सैलरी भी होते हैं उसका हर एक कंपनी में हर एक कैलकुलेशन होता है सो so, क्या कर सकते हैं अभी ये कंपनी में जो कैलकुलेशंस होता है वहां पे वो कैलकुलेशंस ऑलरेडी प्री डिफाइंड रख चुके होंगे हर एक बार नहीं करेंगे सभी एम्प्लॉयज के लिए प्रीवियसली एक बार सेव करके रखे होंगे और जब कभी चाहिए वो उस मैक्रो को यूज करेंगे वो डिफाइंड कैलकुलेशन इज कॉल्ड एज मैक्रोज ओके वो भी रन कर सकते हैं नहीं तो ऑब्जेक्ट एक्शन जो चाहिए आपको वो ऑब्जेक्ट एक्शन उसे भी आप चूज कर सकते हो आज क्या करने वाले हैं हम लोग तो हाइपर लिंक टू द प्रीवियस स्लाइड करने वाले हैं और क्लिक ओके ओके ये तो सिलेक्ट किया हुआ है ऑलराइट अभी तो हमें एक्शन बटन को रखना चाहिए इसमें और राइट right? देखते हैं कैसे रखना है शेप्स में जाओ इंसर्ट शेप्स और यहां पे जो ऑप्शन बटन है मैं इसे क्लिक करके यहां पे ड्रॉ कर रही हूं सो so, ये क्लिक करने से क्या आएगा ये जो बैक है ये तो फर्स्ट स्लाइड के पास जाएगा ओके okay? ये तो बिल्ट इन है आपको याद है ना नहीं तो आपको लास्ट uh, स्लाइड में जाना है लास्ट स्लाइड व्यू में जाना है वो भी आप बदल सकते हो सो so, पहले मैं क्या कर रही हूँ फर्स्ट स्लाइड को क्लिक कर रही हूँ और ओके okay कर रही हूँ सो so, देखते हैं कैसे काम करेगा ये ऑलवेज ऑल दीज बटन वर्क ओनली विद द प्रिव्यू ऑप्शन अभी जब प्रिव्यू करते हो प्रिव्यू करना मतलब क्या है प्रेसेंट करते हो तभी ये सब काम होगा सो हमें स्लाइड शो करना पड़ेगा स्लाइड शो में जाके करंट स्लाइड देखा माउस पॉइंटर तो ऐसे हो गया है ना सो so, मैं क्या करने वाली हूं क्लिक करने वाली हूं देखा हमारा फ्लावर्स याद है आपको ये एनिमेशन है ना सो so, ये आ गया है सो so, इसका मतलब है आप जो कुछ एडिशन करना चाहते हो इसमें वो भी कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट एक्शन बटन कहां पे लेना है शेप्स और सोचो कि मैं ये बटन डाल रही हूं ओके सो ये जो हाइपर लिंक करता है प्रीवियस स्लाइड को करता है या तो आप बदलना चाहते हो वो भी आप बदल सकते हो इसमें से ओके okay? ओके okay, क्लिक कर दीजिए और वापस स्लाइड शो में जाके करंट स्लाइड में व्यू करना ये करने से क्या होना चाहिए हमें प्रीवियस स्लाइड जाना चाहिए देखा गया ना ऐसे so, ही हम लोग एक्शन बटन को यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट में ये किसके लिए चाहिए मैडम ये तो यू नीड टू क्लिक ऑन हियर और जब आप यहाँ पे जो एक्शन बटन प्लेस करते हो छोटा सा एक एक्शन बटन यहाँ पे प्लेस करते हो बिना किसी यूज ऑफ इंटर की से की के एरो की प्रेस करने के बिना जस्ट बाई टेकिंग द माउस यू कैन चेंज इट ओके So, अभी हम लोगों ने देखा था माउस क्लिक पे और right? अभी देखते हैं कैसे हमें माउस ओवर पे करना पड़ेगा सो so, शेप्स में जाओ और ये जो है उसे क्लिक करो और ड्रॉ करो अब ये जो है लिंक्स टू द फर्स्ट स्लाइड, ओके बट कम कब लिंक होना चाहिए जब मैं माउस होवर कर रही हूं तब लिंक होना चाहिए मुझे ऑलराइट सो right? so, देखो यही है हमारा शेप और ये मैं माउस जब उसके ऊपर लेके जा रही हूं वो, उसी टाइम को मुझे कहाँ जाना है मुझे प्रीवियस स्लाइड पे जाना है ओके देखते हैं कैसे होगा शो स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड यहां पे माउस ओवर कर रही हूं कुछ नहीं हो रहा है यहां पे भी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों क्लिक का है अभी देखो जब माउस ओवर की ऑटोमेटिकली स्लाइड बदल गया है सो so, ऐसे ही हम लोग एक्शन बर्टन्स को पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं इज दैट क्लियर सो इसे डालते ही कैसे हो जाएगा पावर पॉइंट बहुत ही अच्छा बन जाएगा बहुत एडवांस फीचर्स बन जाएंगे और राइट सो वॉट डिड वी लर्न टूडे चिल्ड्रन हम हम लोगों ने आज एक्शन बर्टन्स का यूसेज पावर पॉइंट में देखा था यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन बाय बाय